आज गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हिंदू एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आप अपने ईष्ट और देवता को घर में स्थापित करते हैं, और घर में जो देवता स्थापित होते हैं वो ही पर्याप्त होते हैं आपके सर्व कार्य सिद्धि के लिए, सर्व काम सिद्धि के लिए, सर्व मनोरथ पूर्ति के लिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ मंदिर जा कर के अपने सर को रगड़े, या आप बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि आपके घर में उतनी शक्ति को उपस्थित करा दिया जाता है। कालांतर में जो संविधान है इस शक्ति को अपने घर में रखने का, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आने लगीं, और जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके अलावा तस्वीरों का ज़्यादा महत्व हो गया। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो पूजा स्थान जो हमारा है उसमें भी कई तस्वीरें हैं देवी देवताओं का। उससे एक चीज़ होता है कि एक भाव जुड़ जाता है किसी देवी देवता से। सनातन धर्म में भी तस्वीरें बनाई जाती थी, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो एक सनातनी को, एक हिंदू को अपने पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। पांच चीज़ों का आज मैं वर्णन करूंगा, और उसके बाद जैसे उपनिषद आए वैसे ही और भी एक आध चीज़ों का मैं वर्णन करूंगा जो कि पूरक होंगे, ठीक है। तो पांच चीज़ें क्या होती हैं जो आपको घर में रखने चाहिए पूजा स्थान पर? देखो, शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, ये मूल है एक गृहस्थ के जीवन का। महादेव जो पृथ्वी पर है और विष्णु जो जल में है, बनाना बिगाड़ना इन दोनों का काम होता है। और शक्ति माँ भगवती, उनका काम है कि आपको यहाँ स्थापित रखे इस महामाया में जो उनके द्वारा ही रचा गया है। तो जो पांच चीज़ें आपकी पूजा में होनी चाहिए वो सारी इनसे ही संबंधित हैं। सबसे पहले आपके पूजा में एक चल शिवलिंग होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो शिवलिंग को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं कि ऐसा शिवलिंग होना चाहिए, वैसा शिवलिंग होना चाहिए, लेकिन अलग अलग सिद्धांत में अलग अलग तरीके का शिवलिंग को महत्व दिया गया है जो घर में आप रख सकते हैं। एक रूल उसमें यह कहता है कि शिवलिंग का जो वर्ण है वो हर जो काल जब बदलेगा, जब युग बदलेगा, तो वो डार्क होता है। मतलब सतयुग में बिल्कुल सफ़ेद शिवलिंग होता था, फिर पीला हुआ, और अब काला है कलयुग में, तो काला शिवलिंग रखने का एक प्रथा चला। ऐसे शिवलिंग का तीन भाग होता है, मैंने पहले भी बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग में स्थापित होने चाहिए, नवग्रह स्थापित होना चाहिए, श्रीयंत्र स्थापित होना चाहिए, और ये बनता है लकड़ी का शिवलिंग। अगर ये ना हो तो आज के दिन में शिवलिंग स्पेटिक का आपको रखना चाहिए। क्यों होता है स्पेटिक का शिवलिंग महत्वपूर्ण? स्पेटिक का शिवलिंग इसलिए आप रख सकते हैं क्योंकि उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा प्रभाव है जो शिवलिंग क्या है, वो पावर अप होता है, तो कुछ ऐसा प्रभाव है या कोई ऐसी शक्ति अगर खिंच के भी आ गई तो वो सीधे ग्राउंड हो जाएगी। तो गृहस्थों को स्पेटिक का शिवलिंग रखना चाहिए, शुद्ध शिवलिंग रखना। बहुत भारी शिवलिंग खरीदोगे अगर स्पेटिक का, तो उसको बनवाना, क्योंकि मार्केट में शीशे का शिवलिंग स्पेटिक और क्रिस्टल बोल के बेचते हैं। दूसरा कि शिवलिंग के साथ उसका पायलट, मतलब जो योनि भाग है, वो अटैच नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। और घर में जब आप शिवलिंग रखेंगे तो शिवलिंग फिक्स मत करिएगा एक जगह पे, और रोज़ शिवलिंग को हिलाइएगा। जो हम लोग अपने तरफ बोलते हैं, शिवलिंग को हिला के जागो महादेव, मतलब महादेव को रोज़ उठाना पड़ता है।
दूसरा, भगवती की स्थापना जो है वो एक कलश में होती है, तो पंच पल्लव डाल के एक कलश की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, पंच पल्लव का विधान मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो पंच पल्लव, ऐसे पंच पल्लव आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको पंच पल्लव का विधान मिल जाएगा। तो पंच पल्लव में भगवती की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है, और वो पंच पल्लव हर पूर्णिमा के दिन बदलाएगा, मतलब हर पूर्णिमा को आप उस पंच पल्लव को बदल देंगे। एक विषय और याद रखिएगा, किसी अच्छे दिन, जैसे अभी नवरात्र में दशमी को आपने बदला, कलश आपने बैठा लिया, आप पंच पल्लव हर दशमी को बदलेंगे, या फिर आपने अगर पूर्णिमा को बैठाया तो हर पूर्णिमा के दिन आप पंच पल्लव बदलेंगे। कलश कभी हिलाया नहीं जाता है एक साल में। कलश जब आप स्थापित करते हैं तो कलश के पानी बदलने का ये तरीका होता है कि एक जिस भी बर्तन से आप पानी निकाल रहे हैं, मान के चलो आप थोड़ा बड़ा चम्मच से पानी निकाल रहे हैं, तो एक चम्मच पानी निकालेंगे, एक चम्मच पानी डालेंगे, ठीक है। तो कभी भी पूरा कलश का पानी खाली नहीं होना चाहिए। तो आपने निकाला, फिर भरा, फिर निकाला, फिर भरा, इस तरीके से उसको भरते हैं। तो महादेव और शक्ति की स्थापना हो गई। इसके बाद किस चीज़ की स्थापना होनी चाहिए? इसके बाद होनी चाहिए विष्णु जी की स्थापना। तो विष्णु जी की स्थापना पीले वस्त्र में शालिग्राम की स्थापना आप करिए अपने घर पे। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं, क्या कहते हैं, लहसुन प्याज नहीं, नहीं नहीं, आप करिए स्थापना, ठीक है, आप उसकी स्थापना करिए और उनको रोज बिना अपना इंडेक्स फिंगर टच किए उनको रोज स्नान करवाइए और उनको अष्टगन से तिलक करिए, ठीक है। लक्ष्मी की स्थापना श्री यंत्र पर होती है। ऐसे तो श्री विद्या जितनी है सबकी स्थापना श्री यंत्र पर होगी, लेकिन लक्ष्मी की स्थापना विशेषकर श्री यंत्र पर होती है, ठीक है। श्री यंत्र लकड़ी का भी हो सकता है, एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है उसी में श्री यंत्र मिलता है, तो वो श्री यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर श्री यंत्र क्रिस्टल में बनवा लीजिए, ठीक है। चार चीज़ें हो गई, पांचवी चीज़ है शंख। शंख पूजा में होना अति आवश्यक है। शंख बजाने वाला एक होता है और एक होता है पूजा करने वाला, दक्षिण मार्गी मिलेगा नहीं, तो कम से कम बजाने के लिए एक शंख हमेशा पूजा में रखना चाहिए। ये जब पांच चीज़ों का सेट आपका पूरा हो गया, उसके बाद फिर आइए पूरकों पे। लक्ष्मी गणपति की मूर्ति, ठीक है, आप रख सकते हैं अंगूठे भर का, मिट्टी में आप रख सकते हैं मुट्ठी भर का। माँ भगवती देवी दुर्गा की मूर्ति आप रख सकते हैं अष्ट धातु में। महादेव की मूर्ति हमेशा माँ भगवती से बड़ी होगी। माँ सरस्वती की अगर आप मूर्ति रखते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, तो उनकी मूर्ति हमेशा चंदन में बनती है, ठीक है। अब आते हैं भोग पे। तो एक चम्मच आकार का कूसा कुसी होता है, अगर भगवती की पूजा कर रहे हैं तो कूस आपको देना चाहिए। कूसा कुसी में जल, चंदन, अक्षत यानी कि चावल और एक पुष्प देके माँ को समर्पित किया जाता है नवेद के साथ। जब सूर्य को जल देते हैं तो उसको कॉपर वेसल में देंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी, मतलब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अक्षत देना चाहिए, फूल देना चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए, सिर्फ जल आप अर्पण कर सकते हैं। इन सब व्यवस्थाओं के ऊपर गायत्री की तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। अगर गायत्री की तस्वीर नहीं है तो एक कागज़ में गायत्री मंत्र लिख करके फ्रेम करवा के इसको पूजा घर में रखिए। आद्या स्वरूप माँ भगवती की तस्वीर होनी चाहिए। अगर महादेव का की तस्वीर है तो वो पंचमुखी महादेव होने चाहिए, क्योंकि महादेव हमेशा पंचमुखी होते हैं। भैरव जी की अगर आपको स्थापना करनी है तो भैरव जी ना तस्वीर, मतलब काल भैरव की बात कर रहा हूँ, तो ना तस्वीर के रूप में स्थापित होते हैं, ना यंत्र के रूप में स्थापित होते हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है कि भैरव, काल भैरव यंत्र की स्थापना कर लो, आपको भैरव जी घर छुड़वा देंगे, आपको भैरव जी जेल तक भेजवा देंगे। भैरव जी का यंत्र जब भी बनता है तो उसको तुरंत बना के तुरंत उसको मिटा दिया जाता है। ये कितना भी बड़ा तांत्रिक प्रक्रिया हो, होता यही है।
तो भैरव की स्थापना हमेशा दीपक रूप में होती है। सबसे उत्तम होता है कि चौमुखी दिया लेकर के उसमें चमेली और तिल का तेल मिला करके, या फिर अगर 5 तेल मिला सकते हैं तो 5 तेल मिला करके, और उसमें भैरव जी के नाम से उसको आप प्रज्वलित करिए और भैरव की स्थापना। भैरव की स्थापना पूजा में क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि भैरव के बिना आदि शक्ति भोग नहीं लेती। आप जो भी नवेद चढ़ाते हैं वो आदि शक्ति तब तक नहीं लेगी जब तक भैरव जी को भोग नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पूजा में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनका व्यवस्था, वो शक्तियाँ, वो देवी शक्तियाँ खुद करती हैं। वो धीरे धीरे आप जब इतना से शुरू कर लेंगे तो इसके बाद शक्तियाँ खुद रास्ता बनाती हैं ताकि आपके पास जो सामग्रियों की ज़रूरत है वो आ जाए, ठीक है। जाप माला, जैसे जैसे शक्तियों की आपको साधना करनी होगी वैसी वैसी जाप मालाएँ आपके पास आती रहेंगी। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना होगा। बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो कि विशेषकर किसी देवता की पूजा में प्रयोग होता है, तो वो शक्ति है, जैसे मैंने कुसाकुसी बोला, कुसाकुसी शुरुआत से इसका ज़रूरत पड़ता है, लेकिन महादेव का जब शिवलिंग की पूजा होगी, जब महादेव सुन लेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का और प्रयोग होता है। जब भैरव जी की स्थापना पूर्ण हो जाएगी तो फिर उनके पूजा में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आध छोटी छोटी विषय और हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे भगवती को जब आप स्थापित करते हैं ना घर में, भले अष्टधातु में करें, एक छोटा सा स्वर्ण आभूषण भगवती को ज़रूर देना चाहिए। वो कितना ही छोटा हो, वो 1 ग्राम का हो आभूषण, लेकिन भगवती को एक ना एक स्वर्ण आभूषण देना चाहिए। अगर तांत्रिक पूजा आप घर में करते हैं तो बलि तो निषेध है, लेकिन आपको अगर कारण देना है घर में, इसको हमेशा याद रखिएगा, घर में अगर आप शराब देते हैं तो फिर वो हमेशा चांदी के पात्र में देना चाहिए। उससे क्या होता है, चांदी जो है वो चंद्र का कारक है, ठीक है। तो चांदी में आप देते हैं तो जो उसका इफ़ेक्ट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो तांत्रिक पूजा करने से भी घर में तमस नहीं फैलता है। तो अगर आप मध्य देते हैं भगवती को या भैरव जी को, तो हमेशा याद रखेंगे कि उसको चांदी के पात्र में ही देंगे, ठीक है। बाकी जितना अपग्रेड करते जाइएगा आप अपने पूजा को, जितना, जैसे मैंने उस दिन किसी को जवाब दे रहा था, मैंने बताया था कि दूध में महादेव को इसलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि वो मेरे लग्जरी में है, ठीक है। उसी तरीके से जितना लग्जेरियस करिएगा आप पूजा, अपने को दो कम हो उनको दो ज़्यादा हो, उतना ही प्रभावी होता है पूजा। जितने भाव से कीजिएगा उतना ही प्रभावी होता है। बहुत लोग बोलता है मेरा जो भाव हो, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ऐसा नहीं है। भाव होना चाहिए, जिसको प्रेम करोगे उसके लिए पैसे पहले निकलते हैं और अपने लिए पैसे बाद में निकलते हैं, ठीक है। तो पूरे भाव से पूजा करो। और ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, शालिग्राम, शिवलिंग, माँ भगवती का कलश में पंचपल्लव देके स्थापना, इसको बोलते हैं चल स्थापना, मतलब उनको कहीं और भी ले जा सकते हैं, श्रीयंत्र की स्थापना और एक शंख, ये 5 अनिवार्य चीज़ें हैं। घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए अगर संभव हो तो। गायत्री मंत्र लिख करके या गायत्री माँ की तस्वीर आप रखें, ठीक है, कुसाकुसी रखें, ये मिनिमम बेयर है। इसके बाद जितना आप इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, पूजा को जितना सुंदर बना सकते उतनी भगवत कृपा, देवता भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न अपने पूजा स्थान को देख के। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जैसे आसन बंधन, रक्षा, दिशा बंधन, ये मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें rudranath@cm4 ये सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantra.xyz पर जाइए, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पे भी ऐसे अपॉइंटमेंट का लिंक दिया है। माँ भगवती आप लोगों को सफल करें और आपका पूजा का आपको पूरा लाभ मिले, ऐसा मेरी कामना और प्रार्थना है माँ भगवती से। आप सभी को आदेश आदेश, राख आदेश।